नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है विनीत। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर R लिखा है। R मतलब रिवर्स, N मतलब न्यूट्रल। अभी हमारी गाड़ी जो है ये न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल में कोई गियर नहीं डला होता। उसके बाद ये हमारा ड्राइविंग मोड है और ये हमारा मैनुअल मोड है। इस गाड़ी को आप चाहे ऑटोमेटिक मोड में चलाएं, चाहे आप इसको मैनुअल मोड में चलाएं, दोनों तरह से आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास है मैनुअल कार, मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार, तो आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाली गाड़ी को चलाकर एक बार आनंद जरूर लीजिएगा। और यदि आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ऑटोमेटिक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप एक बार इसको चलाएंगे तो इतनी पसंद आएगी कि आप लेने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ कि इसमें क्लच नहीं होता, इसमें सिर्फ रेस और ब्रेक होती है। इसमें एक पैर आपको फिक्स रखना होता है और सारा काम आपको सिर्फ अपने राइट पैर से ही करना होता है। तो इसी से आप रेस दोगे और इसी से आपको ब्रेक यूज करनी है जब आप गाड़ी चलानी है आपको ऑटोमेटिक मोड में। दोस्तों ऑटोमेटिक मोड पर आपको पैर रखना है ब्रेक पे और बस इसको ड्राइव मोड में कर देना है। तो अब ड्राइव मोड मतलब ऑटोमेटिक मोड, इसमें आपको सिर्फ ब्रेक और रेस का यूज करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही हम ड्राइव मोड में करेंगे वन लिखा आ जाएगा, D1। तो ये नीचे D लिखा है, ऊपर है 1, मतलब डिफॉल्ट मोड में ही पहला गियर इसके अंदर डला होता है और थोड़ी सी रेस होती है। तो ब्रेक जैसे ही आप छोड़ोगे तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। और इसकी गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आपकी गाड़ी रुकी हुई है और गियर डला हुआ है तो आप इसको हैंड ब्रेक से रोक के रख सकते हो। हैंड ब्रेक उठा रखी होगी, गाड़ी आपकी आगे नहीं जाएगी। और यदि आप भीड़ भाड़ में खड़े हो तो आपकी गाड़ी रुकती नहीं। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का सबसे बढ़िया, सबसे मज़ेदार बात यही है कि आप जब भी कहीं भीड़ में होते हो, बार बार आपको क्लच दबाना पड़ता है और गियर बदलना पड़ता है, उससे दिक्कत आती है, पैर भी थक जाता है और आपके हाथ भी थक जाते हैं। तो आपके पास यदि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसमें क्लच और गियर की कोई टेंशन नहीं होती। रेस दो और ब्रेक मारो और बस बाकी काम अपने आप गाड़ी करती रहती है। जब आपको चलाना है इस गाड़ी को मैनुअल मोड में तो कुछ नहीं करना। अभी आप न्यूट्रल पे हो, जैसे आप देख सकते हो अभी ये बिल्कुल इसकी सीध न्यूट्रल पे है। नीचे करते ही साइड में चले जाना है। ये दोस्तों सिर्फ मैनुअल मोड है। अब मैनुअल मोड में आपको गियर डालना है। नीचे करोगे जैसे दे रखा है प्लस, तो गियर प्लस हो जाएगा, ऊपर करोगे तो गियर माइनस हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लस माइनस कैसे होता है स्क्रीन में। स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैं मैनुअल मोड में जाऊंगा, ये मैं मैनुअल मोड में गया। अगर मुझे गियर बड़ा करना है तो बस मुझे प्लस दबाना है। इसको मैं नीचे शिफ्ट करूंगा, डाउन शिफ्ट, लीवर को जैसे डाउन शिफ्ट करूंगा गियर बढ़ जाएगा, अप शिफ्ट करूंगा गियर निकल जाएगा। अब मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं, ये रही स्क्रीन मैनुअल 1। तो पहला गियर डिफॉल्ट होता है, जैसे मैं प्लस करूंगा ये देखिए गियर बढ़ गया है, जैसे मैं माइनस करूंगा गियर अपने आप निकल जाएगा। बहुत आसान होता है इसमें गियर डालना और गियर निकालना। जैसे भी कोई भी आप बाइक यूज करते हो प्लस माइनस से गियर निकल जाता है और गियर डलता है, तो इस तरह से आप इसका गियर लीवर इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको दोस्तों मैं बताता हूँ रिवर्स कैसे करना है। ये हम बाहर आए, अब न्यूट्रल में आए, ये रिवर्स है। रिवर्स करेंगे तो R मोड आपको दिखा दिया है, रिवर्स मोड। अभी जैसे ही मैं अपनी ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी पीछे जाने लग जाएगी। तो ये ऐसे इसका रिवर्स मोड काम करता है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं न्यूट्रल पे आ गया, जैसे ही मैंने न्यूट्रल पे आया हूँ तो बीप भी बंद होगी। तो गाड़ी दोस्तों यूज करने में बहुत आसान है। और आपके मन में अब एक सवाल होगा कि अगर चलती हुई गाड़ी पे कोई इस लीवर को चेंज कर दे तो कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि आपको ब्रेक पर पैर रखना जरूरी है। जब गाड़ी चल रही है ब्रेक पर पैर रख के ही आप कोई भी मोड बदल सकते हो। अगर आप चलती गाड़ी में रिवर्स या मैनुअल या कोई भी मोड चेंज करना चाहेंगे तो आप इस लीवर को उस मोड में कर तो देंगे लेकिन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक दबानी बहुत जरूरी है। ये सिस्टम बहुत अच्छा कर रखा है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को और चला सकते हो आप ऑटोमेटिक कार। तो यदि मेरी वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।